हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज की इस यूट्यूब वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं स्पीड एंड वेलोसिटी। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा, मास, वेट एंड डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं इन सब चीज के बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा। पहले मास, फिर वेट, फिर डेंसिटी और फिर स्पीड और फिर वेलोसिटी। और ये मेरा अंतिम वीडियो है, क्योंकि आपका एग्जाम 21 से शुरू है। 21, 22, 23 काफी भीड़ होने वाली है, लगभग पूरे देश में, लगभग 13.5 लाख परीक्षार्थी इसमें पास होकर आए हैं। और वो मतलब भाग्यशाली परीक्षार्थी हैं जिन्हें टिकट मिला है सीबीटी 2 के लिए। तो आप इस मौके को गंवाइए नहीं और तैयार हो जाइए अपने इस रण के लिए, युद्ध के लिए, जो कि अब बिल्कुल आपके मुकाम पे है। चलिए बात कर लेते हैं, मैं आपको सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। पिछले रेलवे, मेरी जो पॉपुलर वीडियो सीरीज है रेलवे का सिक्सर के 5वें 6 में मैं बता दिया हूं। आज मेरा ये अंतिम वीडियो है, तो आप इसे जरूर गौर से देखें और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम मास और वेट को डिफरेंशिएट करना चाहें, देखिए मास और वेट में अंतर क्या है। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि वेट वेरी करता है। सपोज कीजिए कि आपका वेट यहाँ पर, ग्रेविटी जो है यहाँ पर वेट आपका, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका वेट क्या है, तो आपका वेट मास नहीं है, मास इंटू ग्रेविटी है। सपोज कीजिए कि आप अर्थ के सरफेस पे हैं, तो आपका जो जी है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या उसको राउंडिंग में 10 लेते हैं। और आपका जो वजन है वो 50 केजी है, तो एक्चुअली वो हो जाएगा आपका 50 × 10 यानी 500 न्यूटन। ठीक है, यानी 500 न्यूटन आपका वेट है, जबकि मास आपका 50 केजी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट अगर यहाँ अर्थ के सरफेस पे 60 केजी है, तो वहां जाके कितना हो जाता है, वहां चंद्रमा पे, तो वो हो जाता है 1/6 हो जाता है, आप 10 केजी के हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आपके बॉडी का साइज जो है छोटा हो जाएगा, हाँ वेट में अंतर आ जाएगा। आप तैरते हुए नजर आइएगा स्पेस में, फ्लैट मतलब स्पेस में आप फ्लोट करते हुए नजर आइएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी आपका हल्का हो जाता है, यू विल बी लेस डेंस ऑन देयर, बिकॉज जो ग्रेविटी का वैल्यू है स्मॉल जी का, वो 1/6 हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहां अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मून के सरफेस पे वो 1.6 जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये तो मास और वेट के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद यदि हम बात करें कि देखिए, वेट हमेशा जो है नीचे की ओर लगता है, जैसे कोई बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर आ रहा है, हमेशा दोनों कंडीशन में, सपोज कीजिए कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में एमजी नीचे की ही ओर लगेगा, बिकॉज ग्रेविटी जो है ना, जैसे न्यूटन साहब ने बताया था कि ग्रेविटी जो है टुवर्ड्स नीचे, समझ में आ रहा है, टुवर्ड्स लो, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम नहीं बोलेंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो भी नीचे, और अगर नीचे आ रहा है तो भी नीचे, मतलब दोनों केस में आपका नीचे होगा। तो ये था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, और साथ साथ कॉन्सेप्ट था किसका, मास और वेट का। देखिए हम इसमें अगर चर्चा करें मास वेट से रिलेटेड, तो आप ग्रेविटी भी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन भी पढ़ते हैं। ग्रेविटी ग्रेविटेशन में अंतर है। ग्रेविटी जो है एक ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, या किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो किसी भी, कहीं भी, स्पेस में हो, अर्थ सरफेस पे हो, सी लेवल पे हो, बिलो सी लेवल हो, कहीं भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F21, F12। F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ऑब्जेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, F12 का मतलब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, मतलब एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहीं भी, किसी भी जगह। तो ये था डिफरेंस ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। यदि हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी जो है मास बाई वॉल्यूम होता है। सवाल बड़ा चर्चित होता है कि क्यों जो है आइस फ्लोट्स करता है वाटर पे, और क्यों जो है, जबकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सी होती है, और डेंसिटी नहीं, मतलब वाटर का जो टेम्परेचर, मैक्सिमम डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 4 डिग्री सी होती है, और आइस 0 डिग्री सी होती है, उसके बावजूद जो है आइस फ्लोट्स करता है वाटर सरफेस पे, एक अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का जो तार होता है वो पानी में डालने पे वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है, जबकि वही एल्युमिनियम का अगर हम फ्लैट कर दें तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर आ जाएगा।
देखिए क्या होता है ना कि सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दो तो डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा। यदि दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का डेंसिटी कम है तो जो डेंसिटी जिसका कम है वो फ्लोट करेगा किसमें, जिसका डेंसिटी ज्यादा है। और यदि जिसका डेंसिटी ज्यादा है, सपोज करो वाटर और ऑयल है और इसमें से किसी का भी एक डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो डेंसिटी है वो मतलब अगर आप दो बॉडी लेते हैं तो जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगी और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो उस पर डूब जाएगी। जैसे वायल जो है फ्लोट करता है वाटर सरफेस में, क्योंकि वायल की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसलिए वो फ्लोट करता है, जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप जानते हैं कि जितना बॉडी जो वाटर में इमर्ज करता है उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करता है। तो यहां से संबंधित एकाद सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर का होता है वो 1 होता है ग्राम पर डिग्री सी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी में आपसे सवाल कहां कहां पूछे जाएंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी का मतलब केवल एक लीनियर में नहीं है, एंगुलर में भी है। एंगुलर स्पीड पूछे जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाएगी। देखिए स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होंगे रेलवे में जिनको साइंस के बारे में का एबीसी भी नहीं पता होगा, जो आईटीआई से हैं लेकिन वो एक आईटीआई नाम का कर लिए और चूंकि वो एग्जाम में चूंकि हाँ अपने मेहनत से वो पास कर गए लेकिन कहीं ना कहीं साइंस का उनका ज्ञान ना हो या कोई जानते नहीं हो स्पीड और वेक्टर के बारे में, तो उनके लिए एक ट्रिक है कि S फॉर स्पीड होता है, S फॉर स्केलर क्वांटिटी होता है, V फॉर क्या होता है वेलोसिटी होता है, V फॉर वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड केवल होता है और वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। हिंदी में अदिश राशि कहते हैं स्केलर को और वेक्टर को सदिश राशि कहते हैं। जो दिशा के साथ हो उसको कहते हैं वेक्टर और जो दिशा के बिना हो उसको कहते हैं स्केलर। वो अदिश राशि है स्केलर और वेक्टर जो है सदिश राशि है, ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो कोसाइन प्रोडक्ट है। जैसे ए डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। उसी तरह जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और इसको हम लोग कहते हैं साइन प्रोडक्ट आल्सो। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ये सब आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ये तो मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात हुई। आपसे पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब अगर स्पीड के टाइप को देखते हैं मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है ना उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सपोज एक एथलीट ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और उसने दौड़ना शुरू किया और कुल जो रेस था वो 5 मिनट का रेस, 5 मिनट छोड़ दीजिए, दो टाइम नहीं बाउंडिंग था, लेकिन वो 3 मिनट में रेस को कंप्लीट करता है 100 मीटर रेस का और वो फर्स्ट आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट आया जो जीता गोल्ड मेडल जिसने जीता वो जो है वो 2 मिनट 55 सेकंड पे उसकी क्या स्पीड थी। तो ये जो 2 मिनट 55 सेकंड जस्ट 5 सेकंड पहले जो 2 मिनट 55 सेकंड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड निकाला गया उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जबकि एवरेज स्पीड जो है कि जब वो शुरू किया और जब वो खत्म किया उसके बीच में जितने भी सारे स्पीड्स हैं उन सबका एवरेज, उसका एवरेज स्पीड क्या था। हो सकता है कि शुरुआत में उसने धीरे दौड़ लगाई हो, बीच में उसने तेज रफ्तार की हो, फिर उसके बाद उसने धीरे दौड़ लगाई हो और अंतिम क्षण में उसने सबसे तेज रफ्तार कर दी, तो वो जो ओवरऑल स्पीड है वो चीज है, समझ में आया। तो ये होती है एवरेज स्पीड। जो स्पीड है ना वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एवरेज स्पीड में अगर कहेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ ट्रैवर्स को। सपोज कि आप पटना से रांची जाते हैं और आप पटना से रांची ही जाते हैं लेकिन आपका जो मोड ऑफ ट्रेवलिंग है वो अलग अलग है। एक आप ट्रेन से जाते हैं और एक आप एरोप्लेन से जाते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसको समझने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। यदि आप पटना से रांची ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से बाय वाया ट्रेन, इसका मतलब वो डिस्टेंस है।
वो टोटल पार्क ट्रावर्स करके पटना से रांची आपको ले जाएगी या रांची से पटना लेकर आएगी। उसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एरोप्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूज करती है ताकि आप कम समय में पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो हो गया जो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उससे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए उसमें कुछ कीन कॉन्सेप्ट हैं। यदि हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जी निगेटिव होता है, बॉल को अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यदि हम कहें कि मैक्सिमम हाइट पे फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, यदि हम नीचे से फेंकते हैं तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है, ऊपर से फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, और जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, जितना देर में बॉल ऊपर गया वो टाइम ऑफ एसेंट, और जितना देर में बॉल ऊपर से नीचे आया वो टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो जो टोटल टाइम कैलकुलेट होता है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये मेरा अंतिम वीडियो था आपके लिए। मैंने 6 वीडियो का वादा किया था आपको, स्टूडेंट के डिमांड पे, आप ही के डिमांड पे। तो आज मेरा 6 वीडियो का समापन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए मेरे पॉपुलर वीडियो सीरीज रेलवे का शिक्षक के 6 जरूर आपको सफलता दिलाएंगे और आपको पॉपुलैरिटी दिलाएंगे, और सफलता आपको मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपने मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा हो तो जरूर इसने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूट किया होगा, और मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छा करें तो आप मेहनत करें। किसी भी सफलता जो है मेहनत पर तय होती है, मेहनत एक पैमाना होता है जिसके आधार पर सफलता की कहानी लिखी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन दर्शकों ने मुझे देखा, परीक्षार्थियों ने मुझे देखा और सुना, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ जी हाँ बिल्कुल, जो 21, 22 और 23 को जहां भी पूरे देश वर्ष में कहीं भी परीक्षा देने जा रहे हो, उनको मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास से परीक्षा सेंटर पर जाएं और अपना 100% दें। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बाय बाय।